Assalamualaikum students, today is day 3. Okay, आज हम करेंगे addition and subtraction of decimal. ठीक है, पहला रूल addition and subtraction में हमारा क्या होता है? सबसे पहले तो आपने जितनी भी आपको values given है, आपने उनमें place value put करना है. ठीक है, जैसे कि previous video में मैंने आपको बताया था, decimal के foreign बाद वाला number 10 आता होता है, second 100 एंड नेक्स्ट टू 1000 और डेसिमल के इस तरह फिर 1, 10 एंड 100 जैसे हम प्लेस वैल्यू करते हैं. ठीक है, डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद पहले नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल 1, सेकंड नंबर को कहते हैं डेसिमल 2 और थर्ड नंबर को कहते हैं डेसिमल 3. डिजिट हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 1 ही है, 42. ठीक है, लुक एट दिस एग्जाम्पल, 9.803 एड इन टू 115.434. ठीक है, 4 में 3 ऐड किया 7, 3 जैसे का वैसे ही आ गया, 8 में 4 ऐड किया 12, 9 प्लस 1 10 और 5 15, 1 यहाँ कैरी हो गया 112. ये आ गया हमारा आंसर, सेम एज इट इज, हमने यहाँ माइनस किया. ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ए बी सी डी. सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे डी. ठीक है, यहाँ पर मैंने 860.241 कैसे पढ़ते हैं हम इसे, 564.237. 7 + 1 = 8, 4 + 3 = 7, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 वैसा का वैसे ही आ गया, 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 8 में 1 ऐड किया 9, 9 + 5 = 14. ये आ गया हमारा आंसर. दिस इज सो ईजी, आप इजीली कर सकते हैं. ठीक है, एक हमने क्वेश्चन नंबर डी किया, हमने क्वेश्चन नंबर ई है, ये सॉरी ई नहीं, मैं आपको खुद से बता दूँ, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर ई ले लेते हैं हम, 482.1 एंड डेसिमल 2, 653.1 डेसिमल 2. ठीक है, हर डेसिमल की अपनी जगह पे प्लेस करना है, 8 रिमेन सेम, 3 में 1 ऐड किया क्या हो गया 4, 9 + 1 = 10, डेसिमल पॉइंट वैसा का वैसे ही आएगा, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6, 8 + 5 = 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, 4 + 1 = 5 and 5 + 6 = 11. This is our answer, 1136.048. ठीक है, अब कुछ मैं आपको सब्ट्रैक्शन के सम दिखा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व इट, 4, 5 - 4 = 1, 3 - 7 नहीं जा सकता. क्यों नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि 3 इज लेस देन 7. अब 3 क्या करेगा, अब 3 लेगा 6 से हेल्प, 6 कैन यू प्लीज हेल्प मी, 6 व्हाई नॉट. ठीक है, क्यों, क्योंकि हेल्प करना अच्छी बात होती है, तो 6 ने 3 की हेल्प करी और 6 ने 1 3 को गिफ्ट कर दिया. अब क्या हो गया, 3 बिकम्स 13, 13 - 7 = 6. ठीक है, ओ नो, 6 तो 5 हो गया क्योंकि 6 ने अपना 1.3 को दे दिया था. अब 5 में से 9 नहीं जा सकता, अब क्या करेंगे, अब 1 से हेल्प लेंगे, 1 भी हेल्प कर देगा, क्यों, क्योंकि हेल्प करना अच्छी बात होती है. अब 5 क्या बन गया, 5 में 1 ने हेल्प की तो 5 बन गया 15, 15 - 9 क्या बचा, 6. ठीक है, ओ अब 1 तो 0 हो गया,
जीरो में से तो एट जा ही नहीं सकता, लेकिन बराबर वाला वन हेल्प करेगा, वन खुद जीरो बन जाएगा और इन्हें वन दे देगा। यहाँ पे हमारे पास पहले जीरो था, अब वन आया तो ये क्या हो गया, टेन। टेन माइनस एट, ठीक है तो ये क्या हो गया, टेन। टेन माइनस एट टू, जीरो माइनस जीरो जीरो, हमारा आंसर आ गया 26.61। ठीक है, दिस इज करेक्ट वे। अब देयर इज क्वेश्चन नंबर एच, तो मैं आपको खुद सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पे देखें जीरो है, जीरो में से टू जा सकता है, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगेन वन जीरो हो जाएगा, टेन वन कैरी, इट बिकम्स टेन। टेन में से टू गया एट, जीरो में से थ्री नहीं जा सकता, वन जीरो बन गया और वन ने यहाँ पे अगेन कैरी दे दिया। टेन में से थ्री गया सेवन, जीरो में से नाइन नहीं जा सकता, टू बनेगा वन, फिर अगेन वन कैरी आ गया। टेन में से नाइन गया वन, वन में से एट नहीं जा सकता, थ्री टू बन गया। इलेवन में से एट गया, नाइन टेन इलेवन थ्री बच गया। टू माइनस टू ज़ीरो एंड सेवन इज आर, वैसे ही आ गया, दिस इज आर आंसर 703.178। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए, बाकी सारे आपने खुद करने। दिस इज योर होम टास्क। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।